क्या थोड़ी आवाज कम होगी तो इमोशंस भी समझ में आएगा। एजाज बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले आपसे ये जाना जाएगा, ये पूरी मीडिया फ्रेंजी देख के कैसा लग रहा है? बहुत मिस किया मैंने ये माहौल को, इन लोगों को। अच्छा लग रहा है आज के ये लोग मेरे लिए आज भी खड़े हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि सच बोलने की आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। सच कोई सुनना नहीं चाहता है। सच बोला तो आपको प्रॉब्लम होगी और 100% होगी। मुझे भी हुई। 26 महीने मैंने जो अपनी फैमिली के बिना, मतलब मेरे बेटे के बिना, मेरी बीवी, मेरे फादर इतने बीमार थे, मेरी सारी बहनें, मेरा पूरा घर 26 महीने ऐसा लगा वो भी जेल में है, लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला का ऐसा करम था कि मैंने अपने आप को संभाला अंदर, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बीवी, मेरे वालिद साहब के लिए, उनके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उस हालात से लड़ा, मतलब 400 लोगों में 3 टॉयलेट, जो टॉयलेट हमेशा भरे रहते थे। मैंने एक एक छोटी चीज़ की कद्र भी सीखी वहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने और डीप हर चीज़ों को जाना। कहते हैं ना, जब तुम अपने साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उसी तरह मैंने जब अकेले उन प्रिजनर के साथ, वो गैंगस्टरों के साथ अंदर वक्त बिताया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक कांदे की कीमत मुझे पता चल गई कि कांदे की वैल्यू क्या होती है। रोटी जो घर में बन के आती थी तो बोलते थे घी कम लगाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लगा दो, रोटी थोड़ी जल गई है। सूखी रोटी, पत्थर के जैसे चावल। तो आज मेरे सामने, पहले मैं ऐसा सोचता था अरे डाइट फूड लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करके लाओ। आज मेरे सामने अगर कोई सूखी रोटी और कांदा रख देगा ना, मैं उसको शौक से खा लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे अपनी फैमिली की वैल्यू और थी, लेकिन और हो गई। मुझे ये पता चल गया, देखो बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब बुरा वक्त आता है ना तो अपनों में से गैर और गैरों में से तुम्हें अपने मिल जाते हैं। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। कि मुश्किलें लाख गुजर जाए, मैं मंजिलों से लड़ जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहां है वो लोग जो कहते थे, कहां है जो लोग जो कहते थे कि तेरे लिए मैं राह में बिखर जाऊंगा। तो कुछ गैरों में से मुझे अपने दोस्त मिले और कुछ दोस्तों में से गैर मिल गए। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारा साया भी साथ छोड़ देता है, और मैंने उसको महसूस किया है, उसको फील किया है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और कई गैरों ने मेरा साथ दे दिया, लेकिन खैर यही ज़िंदगी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं, आपने देखा होगा मेरे एटीट्यूड में, मुझसे ज़्यादा और आप लोगों से ज़्यादा मुझे कौन जानता है। एक चेंज, एक ठहराव मेरे अंदर आ गया और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए जेल गया था मैं, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस लिए जेल गया था, पर मैं जेल गया था। और कहना है टावल और समथिंग आलम।
टू हॉट हाँ, तावल देना। थैंक यू यार। हाँ तो मैं जेल क्यों गया था, जैसे मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं जेल क्यों गया था। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मुझे कुछ लोगों ने अरेस्ट किया और उसके बाद मुझसे कहा कि आपसे कुछ सवाल करने, और फिर सीधा मैं जेल में था। खैर लेकिन मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद द गवर्नमेंट, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद द सिस्टम। कभी कोई सिस्टम से नहीं जीत सकता है, और मुझे भी सिस्टम से नहीं लड़ना है। मुझे अभी मेरी फैमिली पे ध्यान देना है, मुझे मेरे बच्चे पे ध्यान देना है, मुझे जो मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों पे ध्यान देना है, मेरे जो फैंस मुझे थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं मुझे उन पे ध्यान देना है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे बॉलीवुड के जो दोस्त है जो मेरे जेल जाने से मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यार, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा वालिद साहब है, मुझसे दूर मत हो। मैं अल्लाह मेरे साथ है, और अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे काम मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, कि मैं एक एक्टर हूँ और हम एक्टरों पे बहुत बार कुछ ना कुछ होता है। आप देख लीजिए शाहरुख भाई के बेटे के साथ क्या हुआ, वो आने के बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया पूरा देख रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया कैसे किया, सबको सब पता है। अब मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पर कुछ कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं उनके लॉ फॉलो करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा लॉ फॉलो करके ही चलूँगा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि वो एजाज़ और ये एजाज़ में बहुत फ़र्क है, और ये एजाज़ काम करना चाहता है अपना टैलेंट, जो मैं एक्टर हूँ, मैंने अपनी जेल की जो कहानी है उसको एक किताब में निकाला हूँ, और इंशाल्लाह स्टूडियोज़ के पास जाऊँगा और जेल पे एक वेब सीरीज़ बनाऊँगा कि जेल कैसे चलती है, जेल में क्या होता है, जेल में लोग कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, और जो जेल जाता है उसको कोर्ट अभी तक विक्टिम साबित नहीं की है, लेकिन मीडिया आई एम सो सॉरी और लोग उनको विक्टिम और उनको मुजरिम बोल देती है कि भाई उनको, और बाद में कई ऐसे लोग हैं जिन पे केस झूठा साबित होता है, और वो जेल से जब छूटते हैं तो उनकी ज़िंदगी के 5 साल तो वेस्ट हो ही जाते हैं, 10 साल तो वेस्ट हो ही जाते हैं, उसके बाद समाज भी उनको, कई बार तो उनके बीवी बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उनके दोस्त यार उनको छोड़ देते हैं, और जब हमारा लॉ सिस्टम इतना स्लो है कि किसी केस को चलने में 10 से 20 साल लगते हैं,